गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 10 सोशल स्टडीज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फिफ्थ चैप्टर इन सिविक्स, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स। पॉपुलर स्ट्रगल्स इन नेपाल एंड बोलिविया। जो मूवमेंट है डेमोक्रेसी के लिए वो स्टार्ट हुआ था नेपाल में 2006 अप्रैल में। ये जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा फेमस है। जो नेपाल था वहाँ की जो डेमोक्रेसी सिस्टम था वो एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। यहाँ के जो किंग थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मोनार्की सिस्टम को रन कर रहे थे, लेकिन उनके डेथ के बाद उनके जो बेटे थे वो इस सिस्टम को नहीं चलाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, जो वहाँ की पार्लियामेंट थी उसे डिसमिस किया, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें भी हटा दिया, उन्हें जॉब से हटा दिया, जो पार्लियामेंट है उसे डिसॉल्व कर दिया और एक एब्सोल्यूट मोनार्क सिस्टम स्टार्ट कर दिया नेपाल में। लेकिन इससे यहाँ के जो पीपल थे वो खुश नहीं थे और उन्होंने दोबारा से किंग को रिमूव करके पार्लियामेंट स्टार्ट करने के लिए पीपल ने वहाँ पर बहुत बड़ा एक आंदोलन स्टार्ट किया। हजारों की संख्या में लोग जो थे वो रोड पर आने लगे, स्ट्रीट पर आकर वो रोडों को ब्लॉक करने लगे और ये जो काउंटिंग थी वो डे बाय डे बढ़ती चली जा रही थी। इतने सारे लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बनते चले जा रहे थे और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यहाँ के जो पीपल थे वो अपने मूवमेंट में सक्सेस हुए। यहाँ पर दोबारा से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टार्ट हुई। जो गिरिराज प्रसाद हैं वो यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए और 2008 में यहाँ पे मोनार्की को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया और 2015 में नेपाल ने अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन किया और उसे स्टार्ट किया, इम्प्लीमेंट किया। और यहाँ का जो ये उदाहरण है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। वोल्विया वाटर वॉर। वोल्विया एक ऐसी प्लेस थी जहाँ का जो वॉर था वो किसी किंग के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, मोनार्की, इन सब से कोई मतलब था, बल्कि यहाँ का वॉर डिफरेंट था। यहाँ पे वॉर था वाटर के लिए। यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक MNC कंपनी को यहाँ के वाटर की सप्लाईमेंट की जिम्मेदारी सौंप दी गई और जैसे ही इस कंपनी ने यहाँ के कमान को अपने हाथ में लिया, जो वाटर की जो रेट थे, बिल था, वो 1000 से 5000 तक बढ़ा दिया गया। और इतना ज़्यादा बढ़ने की वजह से यहाँ के जो पीपल थे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और जो पीपल थे उन्हें अपनी लाइफ को सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। तो वाटर की रिक्वायरमेंट को, मांग को देखते हुए यहाँ के पीपल ने स्ट्रगल स्टार्ट किया। जिस तरह से नेपाल की पीपल ने इस्टेब्लिश की डेमोक्रेसी अपने स्ट्रगल के बाद और यहाँ की पीपल ने इस्टेब्लिश किया अपनी दोबारा से म्यूनसिपैलिटी सिस्टम और MNC कंपनी को यहाँ से खदेड़ दिया, भगा दिया और दोबारा से यहाँ पर वाटर सप्लाईमेंट पूरी होने लगी पुराने रेट पर। जितने भी ग्रुप्स होते हैं जो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप और दूसरे होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप का काम क्या होता है, वो कि पर्टिकुलर किसी एक सेक्शन की बात करते हैं। जैसे ट्रेड यूनियन है तो वो सिर्फ ट्रेड यूनियन की ही बेटरमेंट की बात करेंगे, ना कि पूरी सोसाइटी की। अगर कोई बिजनेस एसोसिएशन है तो वो सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे, ना कि अदर पीपल के लिए। लेकिन जो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो पूरी पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं, वो पूरे पब्लिक के भले के बारे में सोचते हैं, ना कि पर्टिकुलर किसी ग्रुप के लिए। जिस तरह से सभी नेपाली पीपल ने डेमोक्रेसी के लिए अपना एक मूवमेंट जारी रखा और डेमोक्रेसी को गेन करा, इसी तरीके से हमारे इंडिया में बहुत सारे मूवमेंट हैं, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसमें एक रिवर नर्मदा को बचाने की कोशिश की गई। ये हमारी इंडिया का एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे मूवमेंट जो है वो टाइम टू टाइम चलाए जाते हैं ताकि जो सोसाइटी है उसे एक ऑर्गेनाइज वे में रखा जा सके, सोसाइटी में जितनी बुराइयां हैं उन्हें दूर किया जा सके। तो समय समय पर मूवमेंट होना ज़रूरी है। हमारी इंडिया ने डेमोक्रेसी को
इजीली गेन नहीं किया, बल्कि बहुत सारे मूवमेंट में स्ट्रगल करने के बाद हमारी इंडिया को डेमोक्रेसी गेन हो पाई है। ऑन बैलेंस हाउएवर प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट हैव डिपेंड डेमोक्रेसी पुटिंग प्रेशर ऑन द रूलर एंड नॉट ऑन अनअडल्ट एक्टिविटी ऑन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जितने भी मूवमेंट हैं वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को अनहेल्दी एक्टिविटी होने से रोकते हैं। जो गवर्नमेंट है उन्हें भी पता रहता है कि अगर वो किसी तरीके की अनहेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो पब्लिक इसके लिए उनके खिलाफ जा सकती है, वो कोई मूवमेंट स्टार्ट कर सकती है जिसकी वजह से जो भी डेमोक्रेटिक ग्रुप है उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इवन द सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप प्ले अ वैल्यूबल रोल, जितने भी आपके सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो भी एक वैल्यूबल रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में। वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स की डिमांड्स को शो करते हैं और बताते हैं कि उनकी सोसाइटी में क्या जगह है और सोसाइटी में एक डोमिनेंस अचीव करते हैं। अगर एक ग्रुप जो है वो प्रेशर करेगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर तो सभी लोग मिलकर क्या करेंगे, उस ग्रुप पर प्रेशर बनाना स्टार्ट करेंगे। इसलिए हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं सोसाइटी में, जो भी मूवमेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हेल्दी डेमोक्रेसी को रन करने के लिए। स्टूडेंट्स के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।